मौसमी बीमारियां जब से बढ़ी हैं, कुछ डेंगू के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए लगातार जो विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या नगर परिषद हो, हम लोग कार्य कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं, जॉइंट मीटिंग्स भी ली हैं, जॉइंट रिव्यू भी किया है। उसी क्रम में आज मैं यहाँ व्यवस्थाएँ देखने आया था। व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पेशेंट्स यहाँ कम हो गए, डिस्चार्ज भी हो गए, और जो पेशेंट से भी मैंने बात की, ट्रीटमेंट को लेकर भी वो खुश हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी खुश हैं। और ये हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बेटर है कि हम इसको यूटिलाइज़ चाहते हैं कम से कम करें, लेकिन जब करना पड़े तो यहाँ की सारी पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहाँ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होने के बाद ही यहाँ लाया गया, लेकिन उनको एक बेटर केयर दिया जा सके और उनकी ठीक से देखभाल की जा सके, इसीलिए हमने यहाँ पे लोगों को एडमिट किया है। और चाहे एंटी लार्वेसाइडल एक्टिविटीज़ हों या फॉगिंग हो, ये लगातार की जा रही है। अब टेम्परेचर कुछ डिप हुआ है, तो उसके बाद से केसेस भी कुछ आने कम हुए हैं। चाहे पीएमओ साहब हों या प्रिंसिपल साहब हों, लगातार हम लोग रिव्यू करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और चाहे बाड़मेर बालोतरा में भी हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, केसेस स्टेबल हैं। अच्छी बात यह है कि कोई फैटलिटी नहीं है, तो लगातार सभी विभाग काम कर रहे हैं और मैं लगातार इस पर रिपीट कर रहा हूँ। सर, आपकी डॉक्टरों से भी बात हुई है, किस प्रकार के मरीज है वो सामने आए, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या कोई ज़्यादा गंभीर मरीज भी आए हैं? देखिए, मोस्टली लोगों में फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, और उसकी वजह से क्योंकि कुछ लीवर के भी इश्यूज हो जाते हैं, हेपेटाइटिस भी बता रहे हैं, और डॉक्टर से ज़्यादा बता पाएंगे, तो उसकी वजह से कुछ पेशेंट अनस्टेबल हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कुछ गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ जो पेशेंट्स हैं अभी सभी स्टेबल हैं और काफ़ी डिस्चार्ज भी हुए हैं, अभी कुछ और डिस्चार्ज होने के हालात में, यहाँ पर्याप्त उनका ध्यान रखा जाकर और टाइमली मेडिकेशन और जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है, और ठीक से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।